हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ब्लॉग मैं वहां से शुरू कर रही हूँ जहां से आज मेरे को ख़त्म करना है। एक्चुअली कल हम एक शादी में गए थे, तो जाने से पहले मैंने अपना ब्लॉग शुरू कर दिया था, लेकिन उसमें मोबाइल में हमने लीड लगा रखी थी, इसलिए मेरी आवाज़ नहीं आती। तो सोचा कि भाई शुरुआत से ही शुरू करूँ, आज ही बता देती हूँ आपको। तो कल हम शादी में गए थे, और शादी थी हमारे बुआ जी के पोते की, तो हम बड़ भाती गए थे वहाँ पे। ठीक है, तो ये है कल की बात। कल गए थे शादी में, और आज दूसरा दिन है, मतलब आज है 22 तारीख। तो आज यहीं से इस ब्लॉग को ख़त्म करना है। तो क्या क्या हुआ मैं बताऊंगी। एक्चुअली मेरे को बैक में आवाज़ देनी थी, दूंगी भी, लेकिन मैंने सोचा कि फेस टू फेस मैं एक बार बता दूँ, क्योंकि लीड लगा रखी थी, तो मैंने जो बोला वो किसी को आवाज़ ही नहीं आई। तो अब मैं पीछे से आवाज़ दूंगी, तो यहीं से मैं अपना ब्लॉग भी ख़त्म करती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब मैंने सारा काम ख़त्म करके और हम हो गए हैं तैयार शादी के लिए। और चूंकि मैंने लीड लगा रखी थी फ़ोन में, तो इस वजह से मैंने जो बोला वो सुनाई नहीं दिया। तो मैं यहाँ पर बोल रही थी कि हाय गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। और अभी बज रहे हैं करीबन, हम 1:30-2 बजे के करीब घर से निकले थे, तो पूरे परिवार वाले तैयार हो गए, मैं भी तैयार हो गई और बच्चे भी तैयार हो गए। मैं बेटी को इनको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, ये मना करें कि हमें मत दिखाओ। और मैंने बांध ली अपनी नई साड़ी, और मेरी साड़ी कैसी लगी कृपया करके ज़रूर ज़रूर बताएं आप। और मैंने गले में पहना है ये सेट, ये भी कैसा लगा ये भी बताना। और अब हमने गाड़ी आ चुकी है नीचे, और अब हम जाएंगे। हम लोग घर से तो निकले थे करीबन 1:30-2 के आसपास, लेकिन वहाँ पहुँचे थे हम 3:30 बजे। तो दूर है इसलिए पहुँचने में भी टाइम लग गया। तो चलिए चलते हैं, अभी दरवाजे बंद करेंगे और फिर जाएंगे। और आज ना बहुत बड़ा सावा है, 23 तारीख को सबसे देर उठने की वो उसका बहुत बड़ा सावा है, तो भीड़ भी ज़्यादा मिलेगी, ट्रैफिक भी ज़्यादा मिलेगा। तो हम सोच रहे हैं टाइम से निकल जाएंगे घर के लिए, उसके लिए, शादी के लिए। तो हम जाके नीचे सारे घर वाले इंतज़ार कर रहे हैं। हम बैठ गए गाड़ी में, और ये थोड़ी देर हमने बाहर का भी नज़ारा दिखाया गांव से निकलते ही, निकलने से पहले ही। अभी गाड़ी गांव में ही है, तो फिर मेरे को घूंघट भी निकालना ही था, ससुराल है मेरा। और ससुराल निकलने के बाद फिर तो अपनी मस्ती में मस्त हो गए सारे। 3:30 के करीब हम पहुंच गए थे वहां पर, उसके बाद थोड़ी देर बैठे, उसके बाद लगन लेने लग गए, और वहीं पर हमारे और रिश्तेदार भी मिल गए। आजकल रिश्तेदारों से मिलना तो बस शादी ब्याह में ही होता है, वैसे तो बहुत कम हो जाता है, बस फ़ोनों पर ही बात हो जाती है। सारे जब मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ये मेरी भाभी है जो हंस रही है, और वहाँ पे ना जो मैंने गले में ये सेट पहन रखा है, वो कि एक और लेडीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद आया कि भाई मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है, उसने अब इसकी फ़ोटो भी खींची है। तब मेरे को पता चला कि हाँ अच्छा लग रहा है। तो आपको भी अगर अच्छा लग रहा है तो कृपया कॉमेंट ज़रूर करके बताएँ कि अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। और ये मेरे देवर की लड़की है, छोटी सी, हमारी सबसे छोटी, परिवार में सबसे छोटी बच्ची है ये, बहुत नोटी है, बहुत ज़्यादा बातें करती है। किसी दिन आपको इसका डांस और इसकी बातें सुनाऊंगी, अभी तो भीड़ है ना, इस वजह से इसकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है क्या बात कर रही है। बड़े बड़े समझदारों को भी पीछे बिठाती है, इतनी ज़्यादा बातें करती है। पूरा परिवार मिलके जब कहीं एक जगह एक साथ जाता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। रिश्तेदारों में सारे रिश्तेदार मिलते हैं तो अपनापन सा महसूस होता है। बस ऐसे ही हंसी मजाक में पूरा दिन निकल गया, पता ही नहीं चला कब पूरा दिन निकल गया है। चूंकि हम यहाँ पर बड़ भाती बन के गए थे, तो उसका भात लेने के बाद हमारा भी भात, उसका नंबर आता है, तो हमने भी भात भरा है, तो उसका भी आपको थोड़ी सी दिखाऊंगी। ये इस टाइम लगन का है, अंधेरा सा हो गया है और लाइट जल गई है। मेरे को ये लाइट भी बहुत अच्छी लगी, तो सोचा था थोड़ा आपको भी दिखा दूँ, तो थोड़ा कवर करने की कोशिश की है। लाइट बहुत अच्छी लगी मेरे को,
इसकी डिजाइन भी अच्छी लग रही थी। आपको भी अच्छी लगी है तो कृपया कमेंट करके बताएं कि अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है। लगन लेने के बाद हम इधर आ गए, यहाँ पर डांस कर रहे थे लोग, तो सोचा थोड़ा डांस ही देख लेते। तो एक छोटे से बच्चे का डांस मेरे को बहुत अच्छा लगा, वो बिल्कुल छोटा सा है और कैसे डांस कर रहा है देखिए। और हमारा भी अब भात भरने का नंबर आ गया है, तो हम भी भात भरने के लिए गए हैं। तो हमारे यहाँ ऐसे ही भात भरते हैं, बड़ भाती हैं तो सारे पहले तो वो पीछे चले गए हैं, और बुआ जी अब सबका आरता करके अंदर लेंगी, तो जो चुनरी लेके आते हैं वो बुआ जी को उड़ाएंगे। ये हमारे चाचा जी, और उड़ाने के बाद सारे तिलक लगवा के एक एक करके अंदर आ जाते हैं। तो छोटे बड़े से लेकर छोटे तक सभी का तिलक किया जाता है चौकी पर। एक बात तो पहले हो चुका है, जो लड़के के मामा लेके आते हैं ना वो बात तो पहले हो चुका है। अब इसके बाद जो बड़े भाती होते हैं, मतलब बुआ जी की तरफ से पियर से जो आया है उसका भात अब बाद में ले रहे हैं। तो ये भी बड़ भातियों का होता है इसलिए, और हम बड़ भाती ही हैं तो हमारा भी तिलक किया जाएगा। तो हमारी तीन बुआ हैं तो तीनों को पहले चुचुन्नी उड़ा देंगे चाचा जी, उसके बाद सब तिलक लगवा के अंदर आ जाएंगे। ये रीति रिवाज भारतीय संस्कृति की पहचान है और इनको बनाए रखना जरूरी है। तो छोटे बड़ों के देख के ही आगे चलते हैं, तो हम भी धीरे धीरे सीख रहे हैं कि हमें भी ऐसे ही करना है। तो हमारी छोटी सी बच्ची का भी तिलक हो गया है। तिलक लगा के और फिर मुंह में मीठा करते हैं, उसके बाद अंदर आते हैं। और ये मेरा नंबर आ गया है। और जब मैं उस पट्टे पे खड़ी हुई ना, तो उस टाइम वो पट्टा हिल रहा था, मैंने कहा बुआ जी पट्टा तो हिल रहा है। फिर बुआ जी मजाक कर रही थी कि भाई हिला मत इसको। भात लेके हम सब लोग अब अंदर आ गए, हमारा सबका हो चुका है भात का। तो सोचा पहले अब जो लेके आए हैं वो बहन बेटियों को सबको निपटा देते हैं, और अब सबका निपटाने के बाद अब हमारा काम हो रहा है खाना खाने का। खाना खाने के बाद जल्दी होगी फिर घर जाने की। और एक बात और बताना चाह रही थी मैं, लेट हो गया। एक राजस्थान में एक बहुत बड़ा त्यौहार और मनाया जा आ रहा है 3 दिन बाद, तो उस त्यौहार को भी अच्छे से मनाना भाई, राजी खुशी से। और हर इंसान जो भी थोड़ा 18 साल का है वो वोट देने जरूर जाना, चाहे आप किसी को भी दें, लेकिन अपने अधिकार का प्रयोग जरूर करें। अपने होने की पहचान तो यही है ना कि भाई वोट देने जाएंगे तभी तो पता चलेगा कि हम भी हैं कुछ है। अपनी ताकत को पहचानना चाहिए ना। और खाना हमारा हो गया है और फिर हम फिर डांस देखने आ गए। तो कुर्सी पे बैठ गए, बीच बीच में से हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तो कभी कोई बीच में से आ रहा था कभी कोई आ रहा था, तो हम इनकी रिकॉर्डिंग दिखा रहे हैं। हमने थोड़ी देर तो उनका डांस देखा, लेकिन हमें बहुत दूर जाना था और रात ज़्यादा हो रही थी और चुनावों का टाइम आ रहा है, तो जगह जगह चेकिंग लगी हुई है, पुलिस लगी हुई है। तो रात को लेट ज़्यादा आना अच्छा नहीं है, इसलिए हमने थोड़ी देर ये प्रोग्राम देखा और उसके बाद हम तो विदा होके वहाँ से आ गए। और इनका चलता रहा, अब उनको तो वहीं रहना है, तो इनका तो डांस प्रोग्राम चलता रहेगा, हमें तो घर जाना है दूर जाना है, इसलिए हम तो आ गए। तो हम वहाँ से करीबन 8:30 बजे के आसपास चल दिए थे और यहाँ पहुँच गए थे हम 10 बजे। जब कहीं जाना होता है ना, वैसे एक बात बताऊँ, अगर घर में शादी होती है ना तो मज़ा नहीं आता, पता ही नहीं चलता कहाँ क्या हो रहा है। और दूसरे के जब दूर रिश्तेदारी में जाना होता है तो शादी का पूरा आनंद लिया जाता है। तो हमने भी शादी का पूरा आनंद लिया, खूब डांस देखा, खाना खाया, सारे प्रोग्राम देखे और फिर समय से ही अपने घर के लिए चल दिए, घर भी पहुँच गए। और ये हर जगह वाला गाना चल रहा था और ताऊ जी को फैस फैस के लेके
आ रहे थे डांस करने के लिए, तो ये भी हमें थोड़ा अच्छा लगा, तो मैंने सोचा थोड़ा सा ये भी कवर कर दूँ, तो मैंने इसको भी थोड़ा सा कवर किया। और टाउन का डांस आपको कैसा लगा ये भी बताना। घर में शादी होती है ना तो काम इतने ज़्यादा होते हैं कि ये तो ये चीज़ें देखने का समय नहीं मिलता, इतनी हाथ दौड़ हो जाती है कि बिना तो अच्छे से खाना होता है, मैं अच्छे से कुछ चीज़ें देखी जाती है, लेकिन आज तो हमारे शादी का पूरा आनंद है। अरे इनका डांस चलता रहा, हम चल रहे अपने घर के लिए। और इधर नागिन डांस चल रहा है, ये भी थोड़ा सा अच्छा लगा, हमने इसको भी कवर करने की कोशिश की है कि अंकल जी नागिन डांस कर रहे हैं। अब भाई हम तो चलते अपने घर के लिए, और ये ब्लॉग भी अब यहीं ख़त्म करते हैं। सब घर पहुंच गए हैं और सब अपने अपने घर, करीबन 10 बज गए हैं। और भाई लंबे सब पूरे दिन खड़े खड़े ना, पैरों में इतनी जकड़न सी हो गई है कि पैड़े भी नहीं चढ़े जा रहे, सीढ़ियां भी नहीं चढ़ी जा रही हैं। तो अपना अपना गाड़ी में से उतरने के बाद अपना अपना सामान लिया और अपने अपने घर गए और अपने कपड़े चेंज करके सो गए। पैरों दूसरे दिन तो उठना भी मुश्किल हो गया था कि सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जा रही है, देखो शरीर अकड़ गया, पूरे दिन खड़े खड़े रहे ना। तो कैसा लगा आज का मेरा व्लॉग, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा है तो भी बताना, नहीं लगा है तो भी बताना, और आप कैसा देखना चाहते हैं ये भी बताना। ओके बाय, थैंक यू।